नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू से जिसने भी राह भटकने की कोशिश की, जदयू ने उसे सीधे सीधी आउट कर दिया। दरअसल अभी गहमा गहमी जदयू के अंदर आरसीपी सिंह को लेकर चल रही है। आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और जदयू कोटे की नेता और मंत्री ही मिलकर अब आरसीपी सिंह पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू से किसी को दरकिनार किया हो। इससे पहले जदयू से जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव, अनंत सिंह और अरुण कुमार जैसे नाम भी रहे हैं, जिसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब बारी आरसीपी सिंह की है। दरअसल राज्यसभा का टिकट कटने और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद बिहार में आरसीपी सिंह पर गहमा गहमी जारी है। जदयू में करीब करीब वो साइडलाइन हो चुके हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के वे पहले सिपर सालार नहीं है जिन्हें अर्श से फर्श पर उतारा गया हो। इनसे पहले जिन लोगों को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया उनको बाहर भी इसी तरह किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस हो या शरद यादव, जो भी उनके राह से भटका वो पार्टी से बाहर हो गया। नीतीश कुमार की आदत रही है कि पार्टी या सरकार में इनसे खिलाफ चलने वालों को देर सवेर राजनीतिक रूप से निपटा ही देते हैं। उनका राजनीतिक स्वभाव रहा है कि वो जिससे नाराज होते हैं उससे बदला लेने में वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, भले ही वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर ही क्यों ना हो। उन्होंने जदयू को अपने मुताबिक चलाया है। 2003 में जनता दल के बंटवारे के बाद जब जनता दल सेक्युलर और जनता दल यूनाइटेड बना तो जदयू की जिम्मेदारी तीन नेताओं के ऊपर थी, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार। इसके बावजूद जदयू को अपने मन मुताबिक ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चलाया। 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जॉर्ज उस समय सर्वमान्य नेता थे लेकिन चलती नीतीश कुमार की ही थी। 2004 में फर्नांडिस ने अपने नजदीकी जया जेटली को राज्यसभा भेजने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने इसे नकार दिया। तब तक 2005 में वे बिहार के सीएम बन चुके थे। बात यहीं तक नहीं रही, 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों में तनाव साफ दिख रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने 2006 में जॉर्ज फर्नांडिस की जगह शरद यादव को पार्टी की कमान सौंप दी। यही नहीं, खराब स्वास्थ्य के आधार पर 2009 के लोकसभा चुनाव के टिकट से भी जॉर्ज फर्नांडिस को वंचित कर दिया। उन्हें निर्दलीय चुनाव मैदान में पराजय का मुंह देखना पड़ा। हालांकि नीतीश के कुछ महीनों के अंदर ही फिर उन्हें राज्यसभा भेज दिया। बात 2006 की करें तो 2006 में शरद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जॉर्ज फर्नांडिस को साइड कर दिया गया था। शरद लगातार मधेपुरा से सांसद बनते रहे थे। राजनीतिक रूप से वे भले मजबूत रहे हो लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें भी बगैरत करके जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 2016 में नीतीश ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ले ली। चूंकि शरद यादव 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए थे तो बाद में नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। इसके बावजूद शरद यादव अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं मान रहे थे। 2018 में शरद यादव जदयू से अलग होकर अपने पार्टी बनाई उन्होंने। उस पार्टी का भी 2019 में आरजेडी के साथ विलय हो गया। वे आरजेडी से चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। 2020 में चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं होने पर पार्टी की कमान आरसीपी सिंह को दे दी गई। जब ये भी पार्टी को अपने मुताबिक चलाने लगे तो नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह भी खटकने लगे। इसकी भी सिलसिलेवार कहानी है। कोरोना के समय पटना से नदारद रहना और खासकर अपने गांव में जाकर प्रवास करना नीतीश को पसंद नहीं आया। उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद जब उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुपात के हिसाब से जगह की मांग की तो ये भी खारिज कर दी गई थी। तब उन्होंने फैसला लिया था कि वे मंत्रिमंडल में सांकेतिक भागीदारी भी नहीं करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में अपनी दुर्गति के बाद इससे समझौता करते हुए मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह को पद लेना, सीएम यूपी सीटों के समझौते पर आरसीपी के भाजपा के प्रति झुकाव से काफी निराश और गुस्से में थे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरसीपी के समर्थित अधिकांश उम्मीदवार पराजित हुए। बची खुची कसर मंत्री बनने के बाद उन्होंने पहले राम मंदिर निर्माण में सार्वजनिक रूप से चंदा देकर कर दिया। नीतीश कुमार ने भाजपा से नजदीकी होने की सजा न केवल राज्यसभा के एक और टर्म से वंचित कर दिया बल्कि इसके कारण केंद्र मंत्रिमंडल से इस्तीफे की पटकथा भी लिख डाली। साथ ही लगे हाथ जिस बंगले में पिछले 12 वर्षों से पटना में आरसीपी सिंह रहते थे उसको भी मुख्य सचिव को आवंटित कर उन्होंने खाली करवा दिया।
पिछले तीनों राष्ट्रीय अध्यक्षों में एक बात कॉमन रही है, सभी की दुर्गति राज्यसभा सदस्य रहते हुए ही हुई है। जदयू के अंदर चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो या फिर नेता हो या फिर खुद ही जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना हो, जिसने भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की कोशिश की है, राह भटकने की कोशिश की है, उसे नीतीश कुमार ने पार्टी से साफ दरकिनार कर दिया है। बात हमने इस खबर में जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव की और अब बारी आरसीपी सिंह की है, जिन्हें जदयू के अंदर अभी लगभग साइडलाइन ही कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।